स्ट्रोक इंजन नाम से ही पता चलता है, इसमें दो स्ट्रोक रहेंगे, सक्शन और एग्जॉस्ट। जो स्ट्रोक थे हमारे उसको हमने इलिमिनेट किया है, स्ट्रोक को इलिमिनेट कर दिया है, लेकिन साइकिल में ये रहेगा। जो हमारा साइकिल रहेगा उसमें सक्शन भी रहेगा और एग्जॉस्ट भी रहेगा। वो किस तरह से कि हमने कंप्रेशन और एक्सपांशन इन दोनों के साथ कंबाइन किया है एग्जॉस्ट और सक्शन को, किस तरह से अभी हम देखते हैं आगे। वन क्रैंक रोटेशन गिव्स वन पावर, और जो फोर स्ट्रोक था उसमें टू क्रैंक रोटेशन देता था हमें वन पावर। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि जब हम टू स्ट्रोक की बात करेंगे तो वन पावर वन क्रैंक रोटेशन, जब फोर स्ट्रोक की बात करेंगे तो टू क्रैंक रोटेशन गिव्स वन पावर। अगर पावर के हम कंपेयर करें तो टू फोर स्ट्रोक में वन पावर मिलती है, उसी साइड अगर उतना ही हमारा क्रैंक रोटेशन होता है मीन्स दो बार, तो दो पावर मिलती है टू स्ट्रोक में, और फोर स्ट्रोक में वन पावर मिलती है टू क्रैंक रोटेशन के बाद। आइए देखते हैं कि टू स्ट्रोक इंजिन एक्चुअल में होता क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है। टू स्ट्रोक इंजिन जो है वो बिल्कुल सेम होता है फोर स्ट्रोक इंजिन से, लेकिन यहां पर जो वॉल सिस्टम था फोर स्ट्रोक में वो पूरा वॉल मैकेनिज्म कैम एंड फॉलोअर को निकाल लिया जाता है, उसकी जगह पर हम रखते हैं इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। वॉल को निकालकर यहां पर पोर्ट लगाया गया है, पीओआरटी पोर्ट। इसका क्या फंक्शन है अभी हम देखेंगे आगे। तो देखते हैं, ये फिगर जो आपके सामने आ रही है ये बता रही है कि किस तरह से इसका ड्रामेटिकली जो ड्रामेटिकली व्यू होता है टू स्ट्रोक इंजन का किस तरह से होता है। अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहला स्ट्रोक जो हमारा था सक्शन, लेकिन यहां पर सक्शन नहीं है, तो यहां पर जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जो क्रैंक है वहां पर पूरा हमारा जो इनलेट चार्ज आता था वो आएगा। तो हम पहले बात करेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क कैसे करता है। अब आप सपोज करें जो मेरा पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर पर है, बॉटम डेड सेंटर पर है, और नीचे जो क्रैंक है वो एम्प्टी है, लेकिन यहां पर जगह है चार्ज आने के लिए, ओके। और जो पॉट है वो यहां पर रखा हुआ है, इनलेट पोर्ट, और ये क्लोज है, एग्जॉस्ट पोर्ट उसके ऊपर है और वो ओपन है। साइड में एक ट्रांसफर पोर्ट है, इस जगह एक ट्रांसफर पोर्ट है, ये भी ओपन कंडीशन में है। अब जैसे जैसे मेरा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, जब हम किक देंगे या स्टार्टिंग मोटर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आएगा। ये बात याद रखिए कि फोर स्ट्रोक में सक्शन स्ट्रोक जब स्टार्ट होता है तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, क्योंकि वहां पर जो इनलेट वॉल होता है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन टू स्ट्रोक इंजिन में हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, क्योंकि जो इनलेट पोर्ट है वो पिस्टन के नीचे है, पिस्टन के नीचे है, और जब इनलेट पोर्ट हम ओपन होगा, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, जैसे ही पिस्टन मूव कर ऊपर जाएगा, इनलेट पोर्ट अनकवर हो जाएगा। सबसे पहले जो इनलेट पोर्ट है वो अनकवर होगा, जैसे ही इनलेट पोर्ट अनकवर होगा, पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्रैंक केस के अंदर आने लगेगा। क्यों आ रहे अंदर, क्योंकि जब तक इनलेट पोर्ट कवर था और हमारा पिस्टन ऊपर मूव हो रहा था, ये जो क्रैंक केस था एम्प्टी था, तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट होने लगा। पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन खींच रहा है नीचे के जो एम्प्टी जो चीज है उसको खींच रहा है, लेकिन वहां पर कुछ उसके अंदर जाने के लिए कुछ है नहीं। जैसे ही मेरा इनलेट पोर्ट ओपन होगा, जो यहां पर वैक्यूम है इसकी वजह से बाहर से जो चार्ज है वो अंदर आने लगेगा। कहां से आ रहा है चार्ज, कार्बोरेटर से,
कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल का चार एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा। जैसे जैसे मेरा पिस्टन ऊपर जाएगा, फर्स्ट वो क्लोज करेगा और कवर करेगा ट्रांसफर पोर्ट को, सेकंड और मूवमेंट होने के बाद वो एग्जॉस्ट पोर्ट को भी कवर करेगा। क्या हो रहा है, सक्शन प्रोसेस होते जा रहा है, जो मेरा चार्ज है वो अंदर आते जा रहा है। और मूवमेंट होने के बाद मैक्सिमम पोजीशन पर जब टॉप डेड सेंटर पर पहुंच जाएगा पिस्टन, तो फिर अब जो हमने मूवमेंट दी थी, अगला स्ट्रोक स्टार्ट होगा। ये स्ट्रोक जो रहेगा ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा। पिस्टन टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ आ रहा है और एग्जॉस्ट पॉड ओपन हो गया है, अनकवर हो गया है फर्स्ट, देन आफ्टर दैट आफ्टर द मूवमेंट ऑफ पिस्टन ट्रांसफर पॉड भी अनकवर हो गया है। जो नीचे स्लाइटली कंप्रेस चार्ज था वो ट्रांसफर पॉड से ऊपर की तरफ आएगा। यहां पर एक डोम है, डिफ्लेक्टर है पिस्टन के ऊपर, वो किस तरह काम करता है वो मैं अभी बता रहा हूं आपको आगे। यहां पर ऊपर एयर और फ्यूल का चार्ज आ गया है, मेरा पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, बॉटम डेड सेंटर की तरफ आया। यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया है क्योंकि हमारा दो स्ट्रोक हो गया है, टॉप डेड बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर एंड टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, ये हो गया है फर्स्ट साइकिल। अब देखो सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा। अब यहां गौर करना कि एक साथ दो प्रोसेस किस तरह से होते हैं। मेरा फिर से साइकिल स्टार्ट हो रहा है, बॉटम डेड सेंटर से मेरा पिस्टन जा रहा है ऊपर की तरफ टॉप डेड सेंटर की तरफ, इनलेट पोर्ट जो क्लोज था अब ओपन होने लगा है, जो यहां पर वैक्यूम था यहां पर अंदर चार्ज आना स्टार्ट हो गए, यहां पर चार्ज का सक्शन हो रहा है और ये जो ऊपर चार्ज है मेरा प्रीवियस साइकिल का वो अब कंप्रेस होने लगा है। जैसे जैसे मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर को पहुंचेगा मेरा चार्ज पूरी तरह कंप्रेस हो जाएगा और जो नीचे इनलेट पोर्ट है वहां से मेरा चार्ज जो फ्रेश चार्ज है वो क्रैंक केस में आ जाएगा। यहां पर ट्रांसफर पोर्ट क्लोज है, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज है। अब क्या होगा, मैं स्पार्क दूंगा जिसकी वजह से बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, कंबशन की वजह से एक्सपांशन होगा। ओके, जब एक्सपांशन होगा तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगी पिस्टन की और जो यहां पर बर्न गैसेस है वो यहां पर पिस्टन को पुश करते रहेगी। और जैसे जैसे मेरा मूवमेंट नीचे होगा सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, तो यहां पर एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने से जो हीट ट्रांसफर है, हीट रिजेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर 20% मूवमेंट ऑफ पिस्टन ट्रांसफर पोर्ट अनकवर होगा और जो फ्रेश चार्ज है वो ट्रांसफर पोर्ट के जरिए ऊपर पिस्टन के ऊपर साइड में आएंगे, अपर साइड में, और यहां पर बर्न गैसेस पहले से है प्रीवियस साइकिल की, जो फ्रेश चार्ज जो ऊपर आया है पिस्टन के ऊपर आया है वो इस बर्न गैसेस को पुश करेगा एग्जॉस्ट पोर्ट की तरफ और वो जो बर्न गैसेस है एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ चली जाएगी, जो बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ चली जाएगी बिकॉज ऑफ दैट डिफ्लेक्टर। हमने ऐसा डिफ्लेक्टर बनाया है कि जो फ्रेश चार्ज आती है वो बर्न गैसेस को एग्जॉस्ट पोर्ट की तरफ ढकेलती है, बाहर कर देती है, जिसकी वजह से हमारा फ्रेश चार्ज स्मॉल अमाउंट में एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलता है, यहां पर हमारा थोड़ा लॉस होता है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ रहा है मेरा सेकंड साइकिल कंप्लीट हो रहा है और ये हमारा साइकिल यहां पर कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आई होप आई मेड जस्टिस विथ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन। यहां पर जो साइकिल हुआ है ये रिपीट होता रहेगा। ये जो प्रोसेस है, इनलेट पोर्ट से फ्रेश चार्ज क्रैंक केस में आता है और क्रैंक केस से जो चार्ज है फ्रेश चार्ज ट्रांसफर पोर्ट से कंबशन चैम्बर में आता है और कंबशन चैम्बर में जो प्रीवियस साइकिल का बर्न गैसेस है उन बर्न गैसेस को फ्रेश चार्ज बाहर करता है एग्जॉस्ट पोर्ट से इंजन के बाहर कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कावेंजिंग प्रोसेस। ओके, यू गॉट दैट। अब हम स्टार्ट करेंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन।
टू स्ट्रोक डीजल इंजन का जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो एज सेम एज हमारा जो पेट्रोल इंजन है, लेकिन पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है जो इग्नाइट करता है पेट्रोल और एयर को, ओके लेकिन यहाँ पर जब हम डीजल इंजन की बात करेंगे तो डीजल इंजन जो है, डीजल जो पेट्रोल है वो सेल्फ इग्नाइट हो जा रहा है। क्यों सेल्फ इग्नाइट हो रहा है? कि हमने टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है और कंप्रेशन रेशो इतना ज्यादा है कि ये जो हमारा डीजल है वो सेल्फ इग्नाइट हो जा रहा है, तो इसके लिए हमें स्पार्क प्लग की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पार्क प्लग हम हटा देंगे, उसकी जगह पर हम रखेंगे फ्यूल इंजेक्शन पंप, क्योंकि हमें कार्बोरेटर की भी जरूरत नहीं है। सक्शन में पेट्रोल और एयर आता था पेट्रोल इंजन में, लेकिन डीजल इंजन में सिर्फ एयर आएगी सक्शन में, उसे हम कंप्रेस करेंगे और फिर हम फ्यूल सप्लाई करेंगे फ्यूल इंजेक्शन पंप के जरिए। तो क्या होगा, जब सक्शन प्रोसेस होगा एयर आएगी, वैसे ही प्रोसेस होगा, बॉटम डेड सेंटर से पिस्टन अप साइड जाएगा, सक्शन होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो हमारा एयर है वो कैन केस में आएगी और मूवमेंट होगा पिस्टन का, पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंचेगा, पूरा एयर जो है क्रैंक केस के अंदर आ जाएगी, फिर मेरा नेक्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट होगा जो कि प्रीवियस साइकिल के लिए एक्सपांशन रहेगा, और वो स्लाइटली जैसे जैसे पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा जो इंटेक चार्ज है उसको स्लाइटली कंप्रेस करता जाएगा, स्लाइटली कंप्रेस करता जाएगा। जैसे ही ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा जो फ्रेश चार्ज है स्लाइटली कंप्रेस हुआ है वो ट्रांसफर पोर्ट से कंबशन चैम्बर में आ जाएगा। अब सेकंड जो मेरा साइकिल स्टार्ट होगा, सक्शन भी होगा और जो ऊपर फ्रेश चार्ज आया है स्लाइटली कंप्रेस वो और ज्यादा कंप्रेस होगा, उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाए जब हम फ्यूल उसमें इंजेक्ट करें। तो हम जैसे ही हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंचेगा जो स्लाइटली कंप्रेस चार्ज है वो और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा और हम वहां पर फ्यूल इंजेक्ट करेंगे। फ्यूल इंजेक्ट हम इस तरह से करेंगे कि कॉन्स्टेंट प्रेशर रहे, प्रेशर ना बढ़े सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता जाए। जैसे जैसे हम फ्यूल इंजेक्ट करते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मतलब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता चला जाएगा और उसमें फ्यूल हम ऐड करते जाएंगे, इतनी रेशो में ऐड करेंगे कि प्रेशर ना बढ़े। लेकिन पेट्रोल इंजन में हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस बर्निंग करते हैं, जिससे प्रेशर बढ़ रहा था वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है, बर्निंग हुई, एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन जब होगा तो नीचे जो चार्ज है फ्रेश चार्ज वो स्लाइटली कंप्रेस होगा और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेरिजन बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर दिया है, कुछ एस्पेक्ट दिया हुआ है जिसपे हम कंपेयर करेंगे कि किस तरह से टू स्ट्रोक अलग है और फोर स्ट्रोक अलग है। तो पहला जो पैरामीटर है कंप्लीशन ऑफ साइकिल। फोर स्ट्रोक इंजन में जब साइकिल कंप्लीट होता है तो चार स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं और टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होता है। यहां पर हम देखेंगे टू स्ट्रोक इंजन में जब साइकिल कंप्लीट होता है, वन साइकिल कंप्लीट होता है और टू स्ट्रोक होते हैं, दैट इज एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, और उसके ही साइमल्टेनियसली उसकी कॉम्बिनेशन में सक्शन और एग्जॉस्ट भी होता है। नेक्स्ट पैरामीटर पावर प्रोड्यूस फ्रॉम सेम सिलेंडर और डायमेंशन। सेम डायमेंशन और सेम सिलेंडर के साइज से जब हम इंजन बनाते हैं टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक, तो क्या होता है, फोर स्ट्रोक में एक पावर देता है, टू स्ट्रोक एक पावर देता है एक क्रैंक रोटेशन में, उसी तरह जब दो क्रैंक रोटेशन होगा तो दो पावर देगा। ओके ये हमें पता है कि हमारा जो पावर प्रोडक्शन है टू स्ट्रोक में हाई है और फोर स्ट्रोक में कम होता जा रहा है। साइज ऑफ फ्लाईव्हील, हमें पता है कि फोर स्ट्रोक में फोर स्ट्रोक होने के बाद हमें एक पावर मिलता है और बाकी जो स्ट्रोक है उसमें हमें पावर नहीं मिल रहा है, तो यहां पर जो फ्लक्चुएशन है बहुत हाई हो जा रहा है। लेकिन अगर हम टू स्ट्रोक की बात करें तो यहां पर फ्लक्चुएशन कम है, जिसकी वजह से हमें जो टॉर्क का रेगुलेशन करना है वो हमें स्मॉल साइज में करना है, तो स्मॉल फ्लाईव्हील हमको रिक्वायर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि
टू स्ट्रोक में ही वन पावर दे रहा है, तो फोर स्ट्रोक जब होगा टू स्ट्रोक के अंदर, दैट इज मतलब दो बार कंप्रेशन होगा और दो बार एक्सपांशन होगा, तो दो पावर मिल जाएंगे, तो जो जो हमारा टॉर्क ग्राफ रहेगा वो रेगुलेट हमें करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, स्मॉल फ्लाईव्हील लगेगा। इनिशियल कॉस्ट एंड स्पेस रिक्वायर फॉर सेम साइज ऑफ इंजिन, ये हमारा एक एस्पेक्ट है। तो हमें पता है कि फोर स्ट्रोक जो इंजिन होता है इसमें वॉल मैकेनिज्म है, साथ ही फोर स्ट्रोक हो रहे हैं, तो जो हमारा कॉस्ट रहेगा फोर स्ट्रोक के लिए ज्यादा रहेगा क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट हमने इसमें ज्यादा लगाया है, और स्पेस रिक्वायरमेंट भी इसका ज्यादा रहेगा क्योंकि मुझे अलग से एक कैम शाफ्ट लगाना है, कैम ऑन फॉलोअर का जो मैकेनिज्म है उसको ऑपरेट करने के लिए एक कैम शाफ्ट अलग से मुझे लगाना है। उसी अगर मैं बात करूंगा टू स्ट्रोक की, तो यहां पर वॉल मैकेनिज्म हटा दिया गया है, वॉल मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए कैम शाफ्ट लगता था वो भी मैंने हटा दिया है, और दूसरा फ्लाई व्हील भी यहां पर मुझे स्मॉल साइज का लग रहा है एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजिन। तो इस टू स्ट्रोक इंजिन में पॉट दिए हुए हैं, दैट इज जो हमें हमारे चार्ज को लेकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये पॉट है, तो पॉट की वजह से और वॉल मैकेनिज्म को निकालने की वजह से इसका साइज कम हो गया, इसका इनिशियल कॉस्ट कम हो गया। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है हमारा थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी जो है हमारे फोर स्ट्रोक की हाई रहेगी क्योंकि इसमें कोई भी थर्मल लॉसेस नहीं हो रहे, जबकि टू स्ट्रोक इंजिन में जो थर्मल इफिशियंसी रहेगी वो कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर थर्मल लॉसेस हो रहे हैं। फ्रेश चार्ज जब एस्केप हो जाएगा एग्जॉस्ट के पास से तो ये हमारा थर्मल लॉस है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी फोर स्ट्रोक की हाई रहेगी क्योंकि मोर टाइम मिलता है हमें इंडक्शन के लिए, फोर स्ट्रोक में हमें ज्यादा टाइम मिलेगा इंडक्शन के लिए, वहीं पर टू स्ट्रोक इंजिन में वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम हो जाएगी क्योंकि इंडक्शन के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग जो रहेगी फोर स्ट्रोक की डिफिकल्ट रहेगी क्योंकि हाई फ्लाईव्हील है और एक पावर मिल रही है और तीन जो स्ट्रोक है वो कंज्यूमिंग है, पावर कंज्यूम कर रहे हैं, उसी तरह टू स्ट्रोक बहुत इजी स्टार्टिंग दे रहा है। नॉइज जो आती है फोर स्ट्रोक में बहुत कम आती है क्योंकि ये कम पावर दे रहा है, एक ही पावर दे रहा है, बाकी सारे जो है साइलेंट है। उसी तरह टू स्ट्रोक इंजिन नॉइजी होता है क्योंकि हर क्रैंक रोटेशन में हमको एक पावर मिल रहा है। कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, फोर स्ट्रोक में हमें लुब्रिकेशन और कूलिंग कम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि हमारा पावर जनरेशन कम हो रहा है, तो कूलिंग भी हमको कम लगेगी, हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी और स्मूथ ऑपरेशन है। लेकिन अगर हम टू स्ट्रोक इंजन की बात करें तो ज्यादा पावर जनरेट हो रही है तो मुझे ज्यादा इंजन को कूल करने का रिक्वायरमेंट, ज्यादा पावर मतलब ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हो रहा है, मुझे ज्यादा कूलिंग का रिक्वायरमेंट है, कहां पर टू स्ट्रोक में। उसी तरह से लुब्रिकेशन भी मुझे ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि ज्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ज्यादा फ्रिक्शन भी होगा। एप्लीकेशन जो है टू फोर स्ट्रोक का, कार, ट्रक्स, इंडस्ट्रियल इंजिन एंड जनरेटर आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर स्ट्रोक इंजिन, एंड टू स्ट्रोक का एग्जाम्पल हम इजिली दे सकते हैं स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल ड्यू टू देयर कम्पैक्ट साइज, हम यहां पर इसे यूज करते हैं। ओके okay?